अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और मैं फिर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक 5 मिनट स्टेप। और टिप क्या, ये बहुत ज़रूरी सी चीज़ थी, बहुत सारे लोगों को मुझे हैरत है, ये चीज़ क्या कन्फ्यूजिंग है थोड़ी सी समटाइम्स। फाइल सेव किस तरह से करना है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से ये एक मैंने बहुत ही फजूल किस्म का एक आर्टवर्क बनाया हुआ है और इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो सिंपली आप फाइल पर जाएंगे, सेव करेंगे एंड यहाँ से आप फाइल नेम देंगे। लेट्स से मैं अपने डेस्कटॉप पर ही सेव करना चाह रहा हूँ, सो मैंने इसका नाम दिया हेक्सागन, सही है। और मैं यहाँ से सिंपली आके सेव करूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप CC पर बना रहे हैं या किसी भी वर्जन पर बना रहे हैं और आप ये फाइल किसी ऐसी जगह पर लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे पुराना वर्जन हो, अगला नहीं पुराना वर्जन हो, तो आप यहाँ से आकर के पुराने वर्जन में सेव कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं CC पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं CS6 के वर्जन में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ये CS6 सेलेक्ट करूंगा एंड देन फिर यहाँ से ओके करूंगा। बहरहाल मैं इसको अभी CC पर ही रख रहा हूँ एंड यहाँ से ओके कर रहा हूँ और ये हो गया सेव, सिंपल। नाउ जब आप सेव कर रहे होते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास आता है सेव एज में। देखें यहाँ नीचे आप किस टाइप में सेव करना चाह रहे हैं, सो लाइक AI या PDF। आप इवन PDF फाइल भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। सो मशवरा दूंगा आप लोगों को, अगर आप अपना CV बनाते हैं या रेज्यूमे, आप उसको PDF में सेव करें, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करें बेहतरीन सा और उसको PDF में सेव करें। और उससे फ़ायदा ये होगा कि कोई भी एक्रोबेट या इवन आपका गूगल क्रोम या फायरफॉक्स पर भी PDF फाइल खुल जाती है। सो ये आपके PDF फॉर्मेट में भी सेव हो सकता है। सो लेट्स से मैं इसको PDF फॉर्मेट में भी सेव कर रहा हूँ। लेट्स सेव एंड यहाँ पर कुछ आपके कंप्रेशंस वगैरह ये आपसे पूछ रहा है, आई डोंट थिंक आप लोगों को इसकी ज़रूरत है अभी, सही है। सो आप यहाँ से बस सिंपली इसको सेव PDF करें। मैं आपको ज़रा फाइल भी दिखा देता हूँ। सो ये आपकी एक हेक्सागन फाइल बनी हुई है, देख रहे हैं आपको PDF का आइकन दिख रहा है एंड या इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो ये आपके देखें एक्रोबेट रीडर में फाइल खुल रही है एंड यस इट इज़ स्टिल वैक्टर, ये अभी भी वैक्टर है। आप इसको जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल पिक्सलेट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मेट आपके पास आ रहा है EPS, सेव एज में जा रहा हूँ, या नीचे देखें आपके पास EPS आ रहा है। अच्छा, EPS फॉर्मेट क्या है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट होता है। ये एक इस तरह का फॉर्मेट है कि जो कि आप अगर ये सेव कर लेते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। वैसे उर्दू का जो इन डिज़ाइन है, नहीं इन पेज सॉरी, उर्दू का जो इन पेज सॉफ्टवेयर है वहाँ से भी आप EPS फाइल सेव कर सकते हैं और वो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में आप लाके ओपन कर सकते हैं। सो सिमिलरली उसी तरह से यहाँ से EPS भी आप बना सकते हैं। एक और चीज आ रही है यहां पर आपके पास SVG। SVG क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये वेब के लिए है। सो लेट्स मैं इसको हेक्सागन ये SVG फॉर्मेट में मैं सेव कर रहा हूं एंड इसको बस यहां से ओके कर दें, जरा नीचे आए ना। ये जो मैंने अभी जो ये SVG फाइल सेव की है, SVG फाइल की खास बात क्या है कि आप इसको अपने फायरफॉक्स या क्रोम या जो भी आपका ब्राउज़र है उस पर भी आप ओपन कर सकते हो। लेट्स से मैंने ये फायरफॉक्स ओपन किया और ये हेक्सागन वाली फाइल में अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इस पर, सी दिस, ये आपके ब्राउज़र पर भी चल सकती है एंड मज़े की बात ये आपकी जूमेबल है। सो अगर आप इवन इसको जूम इन जूम आउट करें या स्ट्रेच करें, जो भी करें, लाइक आपकी विंडो बड़ी या छोटी अगर हो रही हो तो ये ऑटोमेटिकली खुद रीसाइज हो रही होगी। सो यस, ये भी आपकी एक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है कि SVG। नाउ बहुत सारी मोबाइल ऐप्स भी अब ज़्यादातर या इवन वेबसाइट्स में भी SVG इमेजेस यूज़ होते हैं। नाउ एक और बड़े मज़े की बात, SVG एक बड़ा मज़ेदार सा फॉर्मेट है और आप अगर इसको चाहें तो नोटपैड पर भी खोल के देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे HTML की कोडिंग होती है आपके SVG फॉर्मेट की कोडिंग होती है, सी दिस। और आप चाहें तो यहाँ से इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स से एक ये कलर आ रहा है, मैं इसको कम्प्लीटली रेड करना चाह रहा हूँ। सो रेड का जो कोड होता है, हेक्साडेसिमल जो कोड होता है वो FF0000 होता है, ठीक है। लेट्स मैं सेव कर रहा हूँ इसको और इसको आकर के रिफ्रेश कर लेते हैं, सी दिस, ये आउटर रिंग आपका रेड हो गया है। सो बस ये दिमाग में रखिएगा कि आप SVG भी यहाँ से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। SVG एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज है, राइट, एंड
आप उसमें कोडिंग के थ्रू भी इमेजेस बना सकते हैं, लेकिन बनाने की जरूरत नहीं है, आपका इलस्ट्रेटर खुद आपको बना के दे देता है, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होंगी और फाइल सेव करने में आप कोई मसला नहीं आ रहा होगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, अभी तक क्यों नहीं किया। थैंक यू।